फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्पेशल रेसिपी है उपमे की रेसिपी। वैसे तो आपने उपमा बहुत बार खाया होगा, बट एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं इसे स्टार्ट करने। लेट्स गो। तो टेस्टी उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी सूजी, जिसमें हमें दो कटोरी पानी नाप कर डालना है। यहाँ पर मैंने मूंगफली को भून लिया है, सरसों के दाने, एक तेज पत्ता, कटे हुए प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें और एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में देसी घी गर्म कर लूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी में अलग ही स्वाद आता है, तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप घी का ही यूज़ करें। और उसमें हम सूजी को डालकर उसका कलर चेंज होते तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। सूजी जितने अच्छी तरीके से भुनेगी पानी डालने के बाद, वो उतनी जल्दी ही पकती है, इसलिए सूजी को अच्छी तरीके से भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है, बट जैसे ही सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे, मतलब समझ लीजिए वो भून चुकी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर भी सूजी भुन चुकी है। तो सूजी भुनने के बाद मैंने यहाँ कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है, जिसमें मैं तेज पत्ता और सरसों डाल लूँगी। अब काट कर रखी हुई हरी मिर्चें, और जैसे ही ये हल्के हल्के लाल हो जाए मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। इसमें हमें किसी भी सामग्री को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज को भी हमें बस हल्का हल्का सॉफ्ट होने के लिए ही पकाना है। तो ये देखिए प्याज हमारा लगभग सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी काट कर रखे हुए टमाटर। टमाटर को इस तरीके से लंबा लंबा भी आप काट सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से काटने से टमाटर जल्दी गलते हैं, तो मैंने इसे लंबा ही काटा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। हल्दी भी सब्जियों को गलाने में हेल्प करता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ हल्दी डाली है। मसाले में हम नमक नहीं डालेंगे, नमक हमें पानी डालने के बाद डालना है। तो इस तरीके से मैं पलटे की मदद से टमाटर को गला लूँगी अच्छे से। तो बस यहाँ पे टमाटर मेरा अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें डाल दूंगी पानी, जो मैंने 2 कटोरी नाप कर लिया है, सेम उसी बर्तन से जिससे मैंने सूजी नापी थी। और इसमें मैं डाल दूंगी नमक, इन्हें मैं मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसी पानी से नमक चेक भी कर सकते हैं हल्का सा। तो इस पानी में हमें उबाल आने देना है। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। तो अब मैं बारी बारी एक साइड से सूजी डाल दूंगी और दूसरे साइड से इसे मिलाते रहूंगी, ताकि इसमें गाँठे ना पड़े। और हमें इसे बिल्कुल भी चलाते चलाते छोड़ना नहीं है। इसमें मैंने फल्ली भी ऐड कर दी है भूनकर रखी हुई, और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहें। अगर आप इसे रुक रुक कर चलाएंगे तो इसमें गाँठे पड़ जाएंगी, और कहीं कहीं से वो कच्चे भी रह सकते हैं, इसीलिए इसे लगातार चलाते रहें, और आपका टेस्टी सा उपमा बनकर फिर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी अच्छी तरीके से पानी सूख चुका है, और हमारा टेस्टी सा उपमा बनकर तैयार है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो या शाम का नाश्ता, दोनों के लिए ही ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और बताएं कि आपको इस तरीके से उपमा की रेसिपी कैसी लगी।